Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to restart your phone. दोस्तों फोन को कभी कभी रिस्टार्ट करना चाहिए, इससे फोन की परफॉर्मेंस बढ़ता है और अगर फोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर वन, पावर बटन एंड वॉल्यूम प्लस बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। दोनों बटन को एक साथ दबाने से पावर ऑफ मेनू चले आएगा, यहाँ से आप अपना डिवाइस को स्विच ऑफ या रिस्टार्ट कर सकते हैं। नंबर टू, फोर्स रिस्टार्ट। मान लीजिए कि आपका फोन हैंग हो गया है और डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, उस समय आप अपने फोन को फोर्स रिस्टार्ट कर सकते हैं। आप पावर बटन को कंटिन्यू 10 सेकंड तक दबाए रखना है, फिर छोड़ देना। उसके बाद डिस्प्ले लाइट ऑफ होगा और आपका डिवाइस ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। नंबर थ्री, विदाउट पावर बटन। विदाउट पावर बटन इस फोन को आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाना है। इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करें, यहाँ से काफी सारे हिडन सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विक बॉल पे टैप करना है, इस सेटिंग्स को टर्न ऑन कर दीजिए। अब साइड में देखिए एक हाफ साइकिल का पॉपअप क्रिएट हो चुका है। इस बटन को होल्ड करके इधर उधर मूव कर सकते हैं। क्विक बॉल बटन के जरिए कई सारे शॉर्टकट फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट शॉर्टकट, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करके लॉन्ग प्रेस द पावर बटन सेट कर दीजिए। अब उस बटन के ऊपर टैप करते ही फोन रिस्टार्ट मेनू चले आएगा। यहाँ से बिना पावर बटन को इस्तेमाल किए फोन को रिबूट या स्विच ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।